अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि सिंफी इम्तियाज के हवाले से पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, पाकिस्तानी हुकूमत के कंधे के साथ कंधा मिलाकर इंसाफ के लिए काम करेंगे। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट। इदारा तहकीकात इस्लामी यूनिवर्सिटी और एशिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सिन्फी इम्तियाज के मौजू पर इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए अमरीकी सफीर का कहना है कि कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी खवातीन को महफूज माहौल देती है, सिन्फी इम्तियाज के हवाले से पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। Today's conversations are an important opportunity to highlight best practices for supporting survivors. And increase public awareness about the impact these crimes have on individuals and on society. Let us continue to work together to support a Pakistan that is safe, inclusive, and just for all of its citizens. इदारा तहकीकात इस्लामी यूनिवर्सिटी के डीजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाउल हक ने कहा कि सिन्फी इम्तियाज से मुतासर अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए आगाही पैदा कर रहे हैं। एशिया फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर हारिस कयूम ने कहा कि सेमिनार का मकसद सिन्फी इम्तियाज से मुतालिक आगाही देना है। सेमिनार से मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी खिताब किया। मरियम मलिक, पीटीवी न्यूज, इस्लामाबाद।